हाँ SMB झाले इस एनुअल फंक्शन के समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित विद्यालय के प्रबंध समिति, विद्यालय के डायरेक्टर महोदय और इस विद्यालय की तो मैं अभी देख रहा था सारी व्यवस्थाओं में जिनका सहयोग है, ऐसे अपनी बड़ी बहन रंका उपाध्याय जी, इस जंगल में मंगल करने वाले विद्यालय के सारे प्रबंधक, प्रधानाचार्य, टीचर्स और इस विद्यालय में अपने बच्चों को जो भी अभिभावक अपने को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, ऐसे सभी अभिभावक बंधु और दूर दराज से आए हुए सभी अभिभावकगण मेरे साथ आए, मेरी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और यहाँ वो निरंतर जुड़े हुए भी हैं जिला पंचायत के सदस्य, यहाँ की नाम लेते ही लोग जो है अपने आप को या तो डर महसूस होता है या मैं क्या संज्ञा दूं, यहाँ की जेलर साहिबा लोग डरते भी हैं आपका नाम लेने से, ऐसे अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों, मैं पहली बार इस विद्यालय आया और बाहर का दृश्य देख करके हमको ये महसूस हुआ कि सुदूर क्षेत्र में आकर के विद्यालय चलाना, हर गांव से बच्चों को लाना और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कराना, मैं बड़ा अभिभूत हुआ कि जंगल में उपाध्याय जी विद्यालय चला रहे हैं और एक अच्छी शिक्षा बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। बड़ा कठिन परिश्रम के बाद ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय चलाना ये बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। शहर में तमाम सुख सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा लेते और शहर में सहयोगी बंधु भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय चलाना ये बड़ा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ना तो उतनी सुख सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में होती है, ना उतनी सुख सुविधाएं कहीं अरेंज कर पाते हैं और ऐसे क्षेत्र में आकर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जैसे मैं अभी देख रहा था मंच पर छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे करके एक लय में कार्यक्रम पेश करना बड़ा मुश्किल काम, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और एक स्वर में या एक साथ एक लय में अपना मंच पर प्रोग्राम देना ये बड़ा कठिन स्थिति है, लेकिन मैं साधुवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने बच्चों को इतना ट्रेन किया, तो
क्योंकि कभी कभी मंच पर हम लोग भी बोलते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। मंच पर कार्यक्रम देना, व्यक्तिगत रूप से वैसे कार्यक्रम करना में बड़ा अंतर है। मंच पर कहीं किसी को आप बोलने के लिए खड़ा कर दीजिए, वो कितना भी अच्छा वक्ता हो फिर भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है। लेकिन मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे एक लय में एक ताल में अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये बड़ी कठिन परिस्थितियों में उनको ट्रेन किया गया होगा और मैं साधुवाद दूंगा जिन लोगों ने उनको ट्रेन किया, इस लाइक बनाया, बच्चों का भय निकाला और उनको इस स्थिति में लाया जितने भीड़ के सामने वो अपनी प्रस्तुति दे सके। भविष्य में ये विद्यालय इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो और मैं इस विद्यालय परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ये साधुवाद दूंगा कि यह विद्यालय आगे चल के अपना नाम रोशन करे और जो भावनाएं हम लोगों की हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं निश्चित रूप से ये सोच करके यहाँ उन्होंने एडमिशन बच्चों को दिलाया है कि बच्चे हमारे कुछ होनहार होंगे, कुछ बनेंगे, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखते हुए ये कड़ी मेहनत करके यहाँ इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मेरा आप सबसे ये अनुरोध कि हम सभी अपनी भावनाओं के अनुरूप और इस जंगल में हम जितना सहयोग कर सकते हैं, जिस स्तर से इस विद्यालय की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं, हम निसंकोच अपने बच्चों के द्वारा या अन्य किसी परिस्थितियों में भी हम अपने इस विद्यालय की पूर्ण रूप से सहयोग करके ये आगे कैसे और प्रगति करें और आगे बढ़े, इस भावनाओं के साथ हम विद्यालय से लगाव रखें। मैं यहाँ आया था तो मैं उपाध्याय जी से बात हुई कि हमारा दायित्व बनता है जो हम किसी से मांग रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जो कुछ भी कर सकें थोड़ा बहुत योगदान हम भी अपनी तरफ से दें। मैं अभी मैंने उपाध्याय जी से बात की, वैसे तो मुझे ये दिखाई दिया गया वो सक्षम भी है, कोई कमी उन्होंने विद्यालय में ये प्रगति के लिए उसके विकास के लिए नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी मेरा दायित्व बनता है, मैंने उससे चर्चा की है कि वॉलीबॉल कोर्ट के लिए कि बच्चे खेल में भी पारंगत हो और खेल में भी हमारे बच्चे उन्नति करें, शिक्षा ग्रहण करें। एक वॉलीबॉल कोर्ट के लिए मैं अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ, उसमें जितनी भी लागत आएगी मैं अपनी नीति से उसको पूरा करूँगा और आगे आप लोगों के प्रबंधन को पुनः साधुवाद देते हुए विद्यालय की प्रगति में आपका जो योगदान है वो और आगे बढ़ता रहे और जितने भी महान महान बैठे हैं वो भी दिल से उनका लगाव बना रहे, ये विद्यालय प्रगति करता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय